चंदन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुमार चंदन, फिलहाल आज स्थिति कैसी बनी हुई है, सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल आज की अगर बात करें तो सुबह से ही ये जो हम इस इलाके में खड़े हैं आप देख रहे होंगे, ये मेन रोड का इलाका है और यहाँ से महज कुछ दूरी पे ही वो घटना स्थल है जहाँ उपद्रवियों ने कल उत्पात मचाया था, जमकर उत्पात मचाया था और पूरा जो इलाका है वो हिंसक स्थिति यहाँ देखने को मिल रही थी। लेकिन आज पूरे इलाके में धारा 144 लगाई गई है। वैसे तो रांची शहर की अगर हम बात करें तो पूरे शहर के 11 थानों में 144 लागू की गई है, लेकिन ये जो मेन रोड का इलाका है, पूरा इलाका आप सुनसान देखेंगे, इस पूरे इलाके में 144 लगाई गई है। बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान सड़कों पे मौजूद हैं, जगह जगह लगाए गए हैं। इसके अलावा आरएएफ के जवान भी लगातार सुबह से फ्लैग मार्च कर रहे हैं और लोगों को ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो घटना घटी थी उसके बाद से सब कुछ प्रशासन के नियंत्रण में है। डीआईजी जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से सुबह से कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डीसी भी वो खुद मॉनिटरिंग के लिए निकले हैं, हमारे सहयोगी अभिषेक भी हैं, हम इनसे भी जाने की कोशिश करते हैं। अभिषेक, अब जो स्थिति है या फिर कहें पुलिस जो क्या कोई रणनीति में बदलाव की है? जी बिल्कुल, अगर देखें तो कल की घटना के बाद अगर देखेंगे तो साफ तौर पे जिस तरह से जो झारखंड के डीजीपी हैं वो तमाम जो जिला के अधिकारी हैं या फिर डीआईजी हैं, आईजी हैं, सभी को उन्होंने साफ निर्देश दिया है कि इस घटना पर जो है वो एक बैठक करके और जो इस घटना में शामिल है उसको सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हो या फिर तमाम पहलुओं पर पुलिस जो है वो जांच कर रही है और उसके बाद उस पर तय किया जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि सुबह से तमाम जो 12 थाने में लगभग जो है 144 धारा लागू कर दिया गया है, डोरंडा, चूटिया, आपका बहु बाजार हो या फिर काके हो या फिर धुरवा इलाका हो, ऐसी इसी तरह करके देखेंगे रांची के आसपास लगभग 12 थाने हैं जहां पर 144 धारा लागू कर दिया गया है। और सुबह से तमाम आप देखें मेन रोड पर रेप के जवान हो या फिर आईआरबी के जवान हो, आईटीबीपी हो या फिर कई तरह के जो बटालियंस हैं उनको यहां पर उतारा गया है और कई जगहों पर बैरिकेटिंग की गई है और विशेष करके एक जगह पर चार लोगों के अस्थिर माने खड़ा होने की अनुमति उससे अधिक नहीं। देखिए बिल्कुल, हम अपने कैमरा पर्सन से भी कहेंगे कि वो बैरिकेटिंग की भी तस्वीर एक बार कैमरा पैन करके दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह से मेन रोड में पूरे इलाके में बैरिकेटिंग की गई है। पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं, पेट्रोलिंग की गाड़ियाँ हों, चाहे ट्रैफिक पुलिस के लोग हों, ट्रैफिक डीएसपी हों, सभी लोग लगातार इस पूरे इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की हिंसक स्थिति कल हुई थी और या फिर कहें कि जिस तरह से उपद्रवियों ने उत्पात मचाया था, उसके बाद से पूरे इलाके में प्रशासन ने जो नाकेबंदी की है और जिस तरह से लगातार रैफ के जवानों की फ्लैग मार्च की बात हो या फिर रांची पुलिस के जवान की मोर्चेबंदी हो, हर जगह पे सख्त जो है प्रशासन दिख रही है और बिना जांच पड़ताल, बिना पूछताछ के किसी भी गाड़ी को इस पूरे इलाके से गुजरने नहीं दिया जा रहा है। उसकी एकमात्र वजह यह है कि जो घटना घटी थी उसके बाद से माहौल सामान्य हो, स्थिति सामान्य हो। इंटरनेट भी इसी वजह से जो इंटरनेट की सेवा है उसको भी बाधित की गई है और बहाल होने को लेकर जहां तक बात आ रही है तो वो देर शाम के बाद संभव है कि इंटरनेट की सेवाएं बहाल की जाए, लेकिन वो सेवाएं तभी बहाल की जाएगी जब पूरी तरह से प्रशासन आश्वस्त हो जाएगी, असेसमेंट कर लेगी और उसके बाद ही इंटरनेट की सेवाएं बहाल की जाएगी। कुमार चंदन, बिल्कुल देखिए, मैं चाहूंगी कि कैमरे को पैन करके आप दिखाइए वहां की जो स्थिति है, वहां जिस तरीके से बैरिकेटिंग की गई है, थोड़ा नजदीक से, क्योंकि जी बिहार झारखंड लगातार ये अपील कर रहा है लोगों से कि आप शांति बनाए रखिए, स्थिति सामान्य है, डरने की जरूरत नहीं है। देखिए बिल्कुल, हम अपने कैमरा पर्सन से एक बार फिर कहेंगे कि वो कैमरा पैन करके तस्वीर दिखाएं और बहुत करीब जाना संभव नहीं है क्योंकि जो पुलिस के गाइडलाइंस हैं और इंटरनेट सेवा बाधित करने की वजह से जो लाइव सोर्सेज हैं और उसको लेके भी बहुत सारा एहतियात। बिल्कुल चंदन, बिल्कुल मैं आपके पास लौटूंगी चंदन, लेकिन लगातार हम अपडेट भी बता रहे हैं और आपसे भी हम अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए चंदन, हम लोगों को अपडेट बता दें कि क्या कुछ अभी फिलहाल वहां पर स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, बैरिकेटिंग की गई है, सभी वाहनों की गाड़ियों की जांच की जा रही है। तो रांची में जिस तरीके की हिंसा देखने को मिली थी लेकिन स्थिति अभी सामान्य है और जी बिहार झारखंड आपको लगातार आपसे ये अपील कर रहा है कि शांति बनाए रखिए, किसी भी अफवाह पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो 11 इलाकों में धारा 144 भी लागू की गई है। रांची के मेन रोड में घटी घटना
उपद्रव और हिंसा के बाद से इसमें कुल जो 13 लोग थे वो घायल हुए थे, जिसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है। आज जिनकी मौत हुई है उनका पोस्टमार्टम देर रात ही करवा दिया गया था। बाकी जो 11 लोग हैं वो घायल हैं और उनका इलाज रिम्स में चल रहा है। जिनकी मौत हुई थी उनमें कैफी है और इसके साथ ही मोहम्मद शाहिल है। इसके अलावे जो घायल हैं उनमें मोहम्मद सरफराज है, अखिलेश कुमार है, नदीम अंसारी है, साहबाज है, तबारक है, सैफुद्दीन है, साबिर अंसारी है, उस्मान है, तबारक है, मोहम्मद अफसर है और चंद्रावती देवी है। तो कुल मिलाकर जो 11 लोग हैं अभी भी उनका इलाज रिम्स में चल रहा है, अलग अलग वार्ड में अलग अलग डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। तो लेकिन 2 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, उसकी पुष्टि भी की जा चुकी है 2 लोगों की मौत की, और जिन लोगों की मौत हुई थी देर रात ही पोस्टमार्टम उन लोगों का करवा दिया गया था और उन्हें यहाँ से जो जानकारी मिल रही है कि पोस्टमार्टम के बाद भेजा गया है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन राहुल दीक्षित।